असलकुम डियर स्टूडेंट एच डी एम एस बॉयज़ इंग्लिस मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंड फॉर सब्जेक्ट इंग्लिस ग्रामर लैंड इंग्लिस टू आवर चैप्टर टेंथ आर्टिकल्स आज हम किसके बारे में सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में सो यर वी स्टार्ट आर्टिकल्स ए एन एन ए और जो एन है आर आर्टिकल्स आर्टिकल कौन है ए और एन वी यूज़ ए बिफोर अ कॉमन नाउन दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेट कॉन्सोनेट क्या है और वॉवल्स क्या है वो यहाँ पे समझाया हुआ है देखो हमारे कितने अल्फाबेट से टोटल ट्वेंटी सिक्स जो देर आर ट्वेंटी सिक्स लेटर इन द अल्फाबेट में कितने लेटर है ट्वेंटी सिक्स उसमें से फाइव लेटर्स जो है वो वॉवल्स है तो कौन से है वॉवल्स ए ई e, आई ओ और यू उसके बाद जो भी सारे होते हैं वो सब क्या है कॉन्सोनेस तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सब क्या है कॉन्सोनेंट्स तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसके बिगिन के अंदर हम बिगिन uh, कॉन्सोनेंट कोई भी वर्ड जो हो कॉमन नाउन जो अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो यानी ये लेटर से स्टार्ट होता हो तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं ए और वी यूज एन 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 बिफोर अ कॉमन नाउन दैट बिगिन विद अ वॉवेल और जो वॉवेल से स्टार्ट होते कॉमन नाउन है उनके आगे हम क्या लिखते हैं एन अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स है सी ए टी कैट ये कैट है ये सी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पेलिंग और सी जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए ठीक है अब बुक बी बी बु बी डबल ओ के बुक है तो बी कौन किस से स्टार्ट हो रहा है और बी क्या है कॉन्सोनेंट इसलिए यहाँ पे हमने ए लिखा है अब ऑरेंज ओ आर ए एन जी ई -E, ऑरेंज ऑरेंज की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही ओ क्या है वोवेल है इसलिए हमने आगे यहाँ क्या लिखा है ए एन 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 ऑरेंज नेक्स्ट एन एप्पल अब ये जो आपको एप्पल दिख रहा है वो जो है उसकी स्पेलिंग किस से स्टार्ट हुई है ए अल्फ़ाबेट से और ए क्या है वोवेल इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा आगे एन वी यूज़ ए बिफोर द वर्ड स्ट एंड बुक बिकॉज दिस बिगेन विथ अ कॉन्ट सी एन बी सी और बी जो है कॉन्सनेंट है और या देखो स्पेलिंग में सी और बी आया है इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है ए लिखा कौन सा आर्टिकल ए वी यूज एन बिफोर द वर्ड्स ऑरेंज एंड एप्पल ऑरेंज और एप्पल में हमने आगे क्या लिखा एन क्यों एन लिखा बिकॉज दिस बिगेन विथवल्स ओ एन ए ये जो वर्ड्स है वो स्टार्ट हो रहे ओ ओ और ए से और वो क्या है वॉवल से अब यहाँ हमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई है हमें यहाँ पे क्या लिखना है ए लिखना है और एन ये जो हमारे दो आर्टिकल से वो लिखने हैं पर हम किस तरीके से पहचानेंगे कब क्या लिखना है वो यहाँ पे देखो दिया हुआ है अब ये बॉल की स्पेलिंग है बी से स्टार्ट हो रही है बी क्या है कॉन्सनेंट इसलिए यहाँ पे ए सेकेंड वन इज़ आइस क्यूब आइस क्यूब की स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रही है और आई क्या है वोवेल है इसलिए हमने यहाँ पे एन लिखा है अब यहाँ पे ये स्पेलिंग देखो आंट ए यू एन टी आंट आंट की स्पेलिंग जो है वो किस वर्ड से स्टार्ट हो, हो रही है किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रही है ए से ए क्या है वोवेल इसलिए हमें यहाँ पे वो क्या लिखना है जब वॉवेल से बिगिन होता हो तो हमें एन लिखना है फोर्थ डैश रेडियो अब रेडियो जो है आर से स्टार्ट हो रहा है देखो आर क्या है कॉन्सोनेंट इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए फाइव वाली अम्ब्रेला अम्ब्रेला की स्पेलिंग जो है वो यू से स्टार्ट हो रही है और यू क्या है यू है वॉवेल्स और वॉवेल्स स्टार्ट हो रहा हो तो हमें क्या लिखना है एन एन अम्ब्रेला सिक्स ट्रेन टी आर ए एन ट्रेन ट्रेन की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है टी ए कॉन्सोनेंट है इसलिए हम क्या लिखेंगे ए लिखेंगे सेवन नाइफ नाइफ की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हो रही है के है कॉन्सोनेंट इसलिए है ए एट आउल आउल जो है आउल की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है इसलिए हमने एन और ओ क्या है वॉवेल यस अब यहाँ पे हमें कुछ ये सेंटेंसेस दिए हुए हमें ए आएगा या एन आएगा वो देखकर उसको हमें क्या करना है सही पे सर्कल करना है ए एन डॉल अब डॉल डी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये ए है डी क्या है कॉन्सोनेंट। इल्लू इज द नेम ऑफ ए डैश एन एलिफेंट एलिफेंट की स्पेलिंग देखो ई से स्टार्ट हो रही है इसलिए हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट की और वोवेल्स की वजह से एन पे लिखेंगे हम एन पे सर्कल करेंगे ए डैस एन मंकी सी ऑन द रूफ मंकी की स्पेलिंग एम से स्टार्ट हो रही है और एम क्या है कॉन्सोनेंट यस तो हमें ए लिखना है राजू हैस ए डैस एंड इंक पॉट इंक पॉट की स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रही है आई एक वोवेल है इसलिए एन टॉम प्लेस विद एन टॉय ट्रेंड ट्रॉय ट्रेंड टी से स्टार्ट हो रहा है टी है एक क्या है कॉन्सनेट इसलिए हम ए पर्कल करेंगे मॉर्निंग एग की स्पेलिंग है ई से स्टार्ट हो रही है ई है एक वॉवल इसलिए हम ए एन एन पेट सर्कल करेंगे यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन और हमारा दो क्वेश्चन फिनिश होते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज